उपभोक्ताओं को त्वरित सरल सुगम न्याय दिलाने के उद्देश्य से जिला सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में दुर्ग न्यायालय में नेशनल लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 4,631 केस और 3,500 पेंडिंग केस रखे गए हैं। उपभोक्ताओं को त्वरित सरल सुगम न्याय दिलाने के उद्देश्य को लेकर 4th नेशनल लोक अदालत शिविर का आयोजन दुर्ग न्यायालय परिसर में किया गया है, जिसका जिले प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा दुर्ग में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गयी, जिसमें सभी प्रकार के मामले हाउसिंग बोर्ड, सहारा इंडिया, बीमा, बैंक, मोटर व्हीकल एक्ट, स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य प्रकार के प्रकरण रखे गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आशीष धारिया ने बताया कि दुर्ग जिला सत्र न्यायाधीश संजय कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 4,631 केस और पेंडिंग 3,500 केस रखे गए हैं। वहीं दोनों पक्ष आपसी समझौते के आधार पर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं, जिससे पक्षकारों को शीघ्र सुगम एवं सस्ते न्याय प्राप्त होंगे। इस संबंध में न्यूज टीम को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आशीष धारिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस वर्ष की 4th नेशनल लोक अदालत रखी गई है। इस लोक अदालत में प्री लिटिगेशन केसेस 4,631 रखे गए हैं और पेंडिंग केसेस लगभग 3,500 रखे गए हैं। लोक अदालत एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का भाग है। इसमें पक्षकार आपस में सहमति से राजीनामा कर सकते हैं, जिसके कारण उनके बीच मधुर संबंध बने रहते हैं और उनके प्रकरण का निराकरण भी जल्दी होता है। इसका एक और बेनिफिट है कि जो कोर्ट में केसेस जो पेंडिंग रहते हैं उसमें भी घटौती आती है और दोनों पक्षकारों के बीच का जो केस रहता है वो जल्दी खत्म होता है। पिछले लोक अदालत में कुल प्री लिटिगेशन प्रकरण लगभग 12,600 रखे गए थे, जिसमें से 8,135 का निराकरण हुआ था तथा पेंडिंग केसेस 4,906 रखे गए थे, जिसमें से 3,445 केसेस का निराकरण किया गया था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।